एक हिंदी का कलाम है जो कि खैरुद्दीन बाबा से मुनासबत करके वो जी वो पढ़ना ही हमारी सरकार का हुक्म है। मैं तवज्जो चाहूंगा नजासत की हाजत क्यों होती है? क्योंकि उसमें वो वसवसे की बुनियाद थी।
वसवसा आता है तो वो तबाही का सबब बनता है। अब ये वसवसा आ गया, लोगों ने कह दिया, अहले घर खानवान वालों ने कह दिया कि ये किसके हाथ में तुम हाथ दे के आए, तो खुद को भी वसवसा आया कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अल्लाह ने उनकी विलायत छीन ली, उसी वक्त विलायत खींच ली गई और 12 साल तक वो भटकते रहे, 12 साल तक वो भटकते रहे बाबा बुल्ले साहब, और उनको विलायत नहीं मिली। फिर 12 साल के बाद ये फिर औरतों की एक नज नज के ऐसा करके गए और ताकि किसी भी करके मैं पीर को मना लूं, पीर को मैं कैसे भी राजी कर लूं। तो एक दिन दस्तक दी तो कहा कि कौन है बुल्ला, बोले सरकार बुल्ला नहीं हूं, भुला हुआ हूं, बुल्ला हूं, बुल्ला नहीं हूं, बुल्ला हूं। तो बोले चला जा। तो ये जो कहा कि नस नस के यार को बनाना पड़ता है, क्योंकि इमाम रब्बानी मुझे दिलवे शानी फरमाते हैं कि जो किसी एक पीर की बारगाह से वली कामिल से मर्दूद हो जाता है उसे 1,00,000 औलिया भी फैज नहीं पहुंचा सकते। सराबिल शरीफ में सैयद अब्दुल वाहिद बल गिरामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि किसी एक पीर कामिल की बारगाह से मर्दूद होने वाला उसको पूरी कायनात के पीर इकट्ठा हो गए ये सोचे कि मैं इसे फैज पहुंचाऊं और कमालियत पर ले जाऊं तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसूल है तरीकत के कुछ आदाब है। और जैसा मैंने कहा, हर वक्त हर मकाम और हर हालत का एक अदब होता है। किसने कहा? इमाम अबुल हफ्स। ये अदब का है भाई, ऐसा नहीं कि तरीकत की बारगाह है तो ठीक है सबने बना लिए सिलसिले और अपनी तरीके से चलते हैं, लेकिन खुदा की बारगाह में वो मकबूल नहीं होगा। तो ये जो सारे असार बाबा बुल्ले साहब के आप सुनोगे ना, ये उसी वक्त लिखे हुए हैं। आज सरकार से बहुत कुछ हासिल हो रहा है तो बात लगा रम लूं तो मनाना ख्याल पीर ख्याल रसूल होता है, रम लूं तो मनाना मुश्किल नहीं, दो नफल पढ़ो रब मन रब लूं तो मुश्किल नहीं, तो नफल पढ़ो रब मन जाता, रब मन जाऊंगा महबूब जो राजी ना होवे, नच नच के मनाना Oh,
Thank you.
उजवल वो सितारा सेवा से गुरु की
जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यारा।
मेरे महबूब ने कुछ ऐसी अदा पाई है,
जपूना क्यों हर पल मैं राम जपूना
Oh,
ईश्वर का
Sure.